एक्सीडेंट की मौत हराम है। एक्सीडेंट की मौत जो है 12, वैसे अगर किसी को हो जाए तो वो तो शहादत का दर्जा रखती है उससे, क्योंकि वो अचानक आ जाती है और अचानक आने की वजह से आदमी के ऊपर बहुत से हुकूक बाकी रह जाते हैं और हुकूक के सिलसिले में उसको वसीयत करने या दूसरों को उनकी अदायगी की ताकीद करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उससे पनाह मांगी गई। वरना जो एक्सीडेंट में मरा ये नहीं कह, यूं नहीं कहेंगे कि हराम मौत मरा, बल्कि वो शहादत है वैसे तो, इसलिए ये ताबी सही नहीं है, मौत हराम है। जब हम गाड़ी फांस चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है, ये एक्सीडेंट का असबाब बन सकता है, तो गाड़ी सिर्फ शौक के फांस चलानी चाहिए। और भाई एक्सीडेंट तो आहिस्ता चलाने वालों को भी होता है, जो फास्ट चलाए उसी को हुआ, ऐसा नहीं है। रास्ते में चलने वालों को भी एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में भी नहीं बैठा है वो,